हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से, ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी की बात करें तो ये आपका ग्रुप डी का पोस्ट होता है। टोटल पोस्ट जो है ना आपका 25,000 से लेके 30,000 के बीच रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, बम्पर नंबर के सीट पर वैकेंसी आएगा। और इसके रिगार्डिंग जो आपका फॉर्म फी रहेगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 500 रुपीज लिया जाएगा, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल से 250 रुपीज लिया जाएगा। ये जो फी होता है रिफंडेबल होता है आफ्टर सीबीटी, जो आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसके बाद रिफंड कर दिया जाता है 500 में से 390 रुपया और 250 में से 240 रुपया। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो इस बार क्वालिफिकेशन में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। आरआरसी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 10th पास आउट, साथ ही साथ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, वो सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। अब बारी आती है एज की। तो एज का लिमिट जो है 18 वर्ष से 33 वर्ष, मतलब कि 18 to 33 years रखा गया है। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 years का और एससी एसटी को 5 years का। इस बार ऑल कैटेगरी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने वाला है 3 वर्ष का। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान है। 4 stages से गुजरना होगा, लेकिन पहले स्टेज पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होगा, डीबी होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग डिटेल वे में समझेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर इसमें वैकेंसी रहेगा। ग्रुप डी के तहत फ्रेंड्स आपका टोटल 9 तरह के पोस्ट होते हैं। पहला होता है ट्रैकमैन, असिस्टेंट पॉइंट मैन होता है, फिर गैंग मैन है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, केबिन मैन, असिस्टेंट टीसी एंड एसी, हेल्पर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट डिपोट जो स्टोर का होता है उसके लिए पोस्ट रहेगी, और प्यून यानी चपरासी के पोस्ट के लिए। तो ये टोटल इतना पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस चलिए अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। पहले स्टेज पर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको 100 questions देखने को मिलते हैं 100 marks के लिए। पर क्वेश्चन 1 mark मिलता है। समय अवधि जो रहती है 90 मिनट, यानी कि 1.5 hours, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, सो बी अवेयर, सोच समझ के ही आंसर टिक करिएगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो साइंस से रिलेटेड 25 questions होंगे 25 marks के लिए, मैथमेटिक्स से 25 questions 25 marks के लिए, रीजनिंग से 30 questions 30 marks के लिए, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के यहाँ पर 20 questions हो जाएंगे। ओवरऑल 100 questions 100 marks के लिए। आई होप एग्जाम पैटर्न आप समझ होंगे। जब एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो सेकेंड स्टेज पर आपका फिजिकल होता है। तो आइए मैं बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेट कैरी करना होता है। जो मेल कैंडिडेट है ना, उनको 35 kg का वजन उठा के 100 meters चलना है, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। फीमेल्स को 20 kg का वजन उठा के 100 meters दौड़ है, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, रनिंग होता है। मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 minutes 15 seconds में, और फीमेल को 1 किलोमीटर 5 minutes 40 seconds में रनिंग रहेगा। ये आपका हो गया फिजिकल। इसमें क्वालिफाई करोगे तो डीवी एंड मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर है और सर्व करने का मौका भी ऑल ओवर इंडिया में दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सर्विस के दौरान आपको क्या सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी फ्रेंड्स 25,000 से 35,000 अलग अलग स्टेज पे आपका स्टेट वाइज डिपेंड करता है। बाद में ये सैलरी अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट होता है। इसके रिगार्डिंग आप डिटेल से देखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो सेट वगैरह था, क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर सब बनाइएगा। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इसके लिए आपका कब से अप्लाई होगा। तो अभी आपको पता है कि रेलवे ने ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया कि अक्टूबर में आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप सोचोगे कि अक्टूबर में ऑनलाइन होगा तो आप अभी क्यों बता रहे हो। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब अक्टूबर में फॉर्म ऑनलाइन होगा तो फिर फटाक से उसका एग्जाम भी हो जाएगा, तो आपके पास तैयारी के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, आई होप इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल अभी आप समझ गए होंगे। और अगर आप रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाइए वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और भी जो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम है सबका डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।